आज हम आपको सैमसंग की कार्ट्रिज है जिसका मॉडल है MLT 101 और ये है सैमसंग 3201 प्रिंटर के मॉडल में लगने वाली कार्ट्रिज। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ये मेरे पास में कंफर्टेबल कार्ट्रिज है। इसकी रिपलिंग किस प्रकार से करते हैं, इस रिपलिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको कार्ट्रिज दिखा देता हूँ। ये मेरे पास में कार्ट्रिज है सैमसंग की, ये 3201 में लगती है सैमसंग के प्रिंटर में जो मार्केट में काफ़ी है। और इसकी कार्ट्रिज की रिफिलिंग किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सरल तरीका है, बस आपको केवल वीडियो देखना है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये मेरे पास में सैमसंग की कार्ट्रिज है। इसको रिफिल करने से सबसे पहले साइड के ये स्क्रू है, इसको ओपन करना है आपको। ये देखिए ये स्क्रू है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, उस लॉक को भी निकालना है। उसके बाद में आपको रिफिलिंग स्टार्ट करनी है। तो चलिए किस प्रकार से करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये लॉक है, इस लॉक को निकाल दीजिए। यहाँ पे लॉक है और यहाँ पे लॉक है, ये दो लॉक है, दोनों लॉक को आपको निकालना है। तो मेरे पास में ये कटर है, साइड कटर है, इससे ईजिली निकल जाता है। तो साइड कटर से मैं पकड़ूंगा, ऊपर निकाल लूंगा, ये लॉक निकाल लिया। इसी प्रकार से दूसरी साइड का भी मैं आपके सामने निकाल देता हूं। थोड़ा सा साइड कटर से क्या इजली निकल जाता है। ये दोनों लॉक को मैंने निकाल दिया। अब आपके सामने ये कार्ट्रिज है, ये कार्ट्रिज को ऊपर करो, ये ओपन हो गई है। अब कार्ट्रिज का ये दो भाग है, ये तो है इंक टैंक, ये इंक टैंक है, इसमें सही रिफिल की जाती है, इसमें रेप सही भरी जाती है। और ये है वेस्टेज टैंक, जिसमें कार्ट्रेज जब बार बार चलता है ड्रम तो इसके अंदर वेस्टेज इंक आ जाती है, वो डिस्चार्ज हो जाती है, उसको आपको बाहर निकालना है। बस ये दो पार्ट है। तो सबसे पहले हम वेस्टेज इंक है वो भी निकाल सकते हैं या रिफिल भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई भी क्रम हम चूज कर सकते हैं। तो आइए हम अब सबसे पहले रिफिल करते हैं, इसमें से रिफिल कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इंक रिफिल करने वाला ये जो टैंक है, इस टैंक के ये चिप साइड वाला पोर्शन आपको ओपन करना है, ये दोनों स्क्रू को आपको ओपन करना है। तो पेचकस से आपको दोनों स्क्रू को ओपन कर लेना है। ये मैंने दोनों स्क्रू को हटा लिया है और ढक्कन को भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ये टैंक का जो ढक्कन है, ये ढक्कन भी आपको हटाना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा साफ कर देता हूँ या साफ करके दिखा देता हूँ। ये टैंक का ढक्कन है, ये कोई भी आप माइनस पेचकस से ढक्कन को ऊपर करना है। थोड़ा सा पकड़ के ये ओपन करना है, ये खुल गया है। अब इसके अंदर आपको इंक डालनी है, ये इंक टैंक है। तो चलिए मैं आपके सामने इंक डाल देता हूँ। मेरे पास में ये सैमसंग की इंक है, इस पर लिखा हुआ है सैमसंग यूनिवर्सल इंक लिखी हुई है। सैमसंग की एक इंक आती है, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से हिला लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैं ये हिला लिया है, उसके बाद में ये ऊपर शील है लगी हुई, उसको भी हम हटा देंगे। हटाने के बाद में ये मेरे पास में कैप है, कैप लगा देंगे ताकि इससे इधर उधर न बिखरे। ये मैंने अच्छी तरह से कैप टाइट कर दी है। अब कार्ट्रिज को थोड़ा सा टेढ़ा करके और अंदर डाल देनी है। ये सूखा पाउडर है तो ध्यान में रहे, ये आराम से डालना है, कहीं बाहर निकल ना जाए। और तब तक डालते रहिए जब तक ये फुल ना हो जाए। उसके बाद में ये थोड़ा फुल हो गया तो आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिए। उसके बाद में वापस डालिए।
वापिस थोड़ा सा और कीजिए। इंक अंदर डल गई है और ये इंक टैंक भी फुल हो गया आपके सामने, इससे ज़्यादा अब नहीं आएगी। और कैप लगा देना है, ये डाल दिए, ये हो गया इंक वाला टैंक। अब हम आपको दिखाएंगे ये वेस्टेज टैंक। तो वेस्टेज टैंक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये साइड वाला स्क्रू ओपन करना है। आपके सामने ये दोनों साइड वाले स्क्रू है, ये ओपन कर देता हूं। यहाँ पे लॉक भी है, थोड़ा सा लॉक को भी ध्यान में रखते हुए आपको ओपन करना है। ये ओपन हो गया और अब इस साइड से भी आपको ओपन करना है दोनों स्क्रू को। ये बहुत ही सिंपल है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से करना है और वन बाई वन स्टेप आपको समझना है। दोस्तों आप ये वीडियो देख के, जितने भी वीडियो है वो मैंने मेरी तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, आप उन वीडियो को आराम से अपने घर पे देखकर रिफिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। अब इस ड्रम को बाहर निकाल दिए, ये पीसीआर है, पीसीआर को भी हम बाहर निकाल देंगे, दोनों बाहर निकाल दिए। अब ये हो गया नीचे वेस्टेज इंक टैंक, इनके दो स्क्रू है दिया हुआ, ये दोनों स्क्रू को हम ओपन करेंगे, करने के बाद में ब्लेड बाहर निकाल लेंगे और वेस्टेज इंक है वो भी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये कोई काम की इंक नहीं है, ये डिस्चार्ज हो गई है। ये वाइपर ब्लेड बोलते हैं इसको, उस वाइपर ब्लेड को हम निकालिए, अलग कर लेनी है। और ये है आपके सामने नजर आ रही है ये वेस्टेज इंक, ये देखिए ये कोई काम की नहीं है, ये डिस्चार्ज इंक है, इसको निकाल देना है। तो मैं आपके सामने इस पॉलीथीन में डाल देता हूँ ताकि इधर उधर न बिखरे। ये मैंने वेस्टेज इंक इसमें डाल दी है, ये कोई काम की नहीं है। अब कपड़े से थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद में ये वाइपर ब्लेड है वो वापस लगा देनी है। ये वाइपर ब्लेड को मैंने लगा दिया है, ये दोनों स्क्रू को भी मैं आपके सामने टाइट कर दूंगा। ये देखिए ये दोनों स्क्रू को लगा दिया। अब हमारे पास में ये पीसीआर है, इस पीसीआर को थोड़ा कपड़े से साफ कर लेंगे। कपड़े से साफ करने के बाद में पीसीआर को अपनी जगह लगा देंगे, ये पीसीआर को लगा दिया है अपने स्थान पे। अब ये ड्रम है, उस ड्रम को भी हम थोड़ा सा कपड़े से साफ कर लेते हैं, हल्के हाथ से करना है, और इसको भी हम लगा देंगे, यहाँ पे लगा दिए।
ये दोनों तरफ लगे। उसके बाद में ये जो उसके कवर थे साइड वाले, इस कवर को लगा देना है। और इस रोड को देखिए, ये रोड एकदम पूरी आ जानी चाहिए लेवल में, ये आ गई है। तो उसके बाद में इनके दोनों स्क्रू है वो स्क्रू लगा देंगे। ये मैंने एक स्क्रू लगा दिया है, दूसरा और लगाना है। दूसरा स्क्रू लगा दिया है। उसके बाद में ये कवर लगाना है आपको दूसरे साइड वाला। लगा के प्रेस कर दिया है, एकदम आराम से आ गया। ये भी देखिए दोनों तरफ से ये रोड है पैक हो गई है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। कहीं पे भी यदि थोड़ा दिक्कत हो तो उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि अंदर ही एक यहाँ पे ब्लेड लगी हुई है, उस ब्लेड को देखते हुए आपको लगाना है। ये देखिए एकदम सही रूप से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये ध्यान रखना यहाँ पे लॉक है, ये लॉक आपके सामने, ये लॉक ओपन निकालते टाइम ओपन होना जरूरी है। और ये ब्लेड है, ये ब्लेड थोड़ा दबाव देगी पीसीआर पे, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसको क्लीन भी रखना है ब्लेड को। तो यहां से पकड़ के प्रेस कर देना है, ये आ गया है। अब ये इनके दोनों स्क्रू लगा देते हैं। मैंने ये फर्स्ट स्क्रू लगा दिया है, उसके बाद में सेकंड वाला लगा देंगे। ये मैंने सेकंड लगा दिया है। अब देखिए एकदम इजी तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जैसे ओपन किया था वैसे लगाना है। तो ये जो कवर है, ये कवर को भी लगाना है। इनके ये दो स्क्रू है जो हमने ओपन किए थे सबसे पहले। ये दोनों स्क्रू को लगा दिए। अब दोनों ये जो वेस्टेज है, टैंक और इंक टैंक दोनों को स्प्रिंग से यहाँ से छोर में मिलाते हुए और देख लेना है। फिर ये होल है, उस होल को देख लेना है कि ये एकदम सीधा होल है। तो हमारे पास में ये दो है रिपीट निकली हुई। अब इनको ध्यान में रखना है कि कौन सी कहाँ पे है। तो छोटी वाली ग्रारी के विदाउट साइड होगी, यानी इसमें दो है। देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए दो अलग अलग साइज़ की है, एक छोटी एक बड़ी है। बड़ी वाली ग्रारी साइड में लगेगी, छोटी वाली विदाउट ग्रारी यानी ये चिप साइड में लगेगी। तो आपको सीधा प्रेस करना है। अब ये दूसरा है, ये लगेगा ग्रारी वाले साइड में। ये लगा दिया, बस इतना ही करना, और कुछ नहीं है इसमें। ये कार्ट्रेज अपनी रिफिल हो गई है। ये कार्टेज रिफल है। तो दोस्तों ये कंफर्टेबल कार्टेज की रिफिलिंग करने के बारे में आपको बताया था। ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और आगे से शेयर ज़रूर करते रहिए।
है।